हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. और गुड इवनिंग क्या, गुड नाइट हो गई. और क्या बोला जाए, बहुत टाइम हम लोगों ने लगा दिया है. और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं हूं साहब. मैं हूं. ठीक है ना. चलो बच्चों, शुरू करते हैं अच्छी अच्छी म्यूजिक के साथ. नमस्कार सुनील सर, कैसे हैं आप? अरे महादेव, आपकी कृपा से पिछले 2 दिनों से हम बहुत अच्छे हैं. जय महादेव आप हैं महादेव. सर, महादेव आप हैं। आप छोटे महादेव, दंडवत आपको. बच्चे कह रहे हैं सर, ये बच्चे कह रहे हैं सुनील सर का सिस्टम होगा, ये सुनील सर का सिस्टम अटकता बहुत है। नहीं, अब की बार राठी सर का सिस्टम तो नहीं अटका, लेकिन अब की बार राठी सर ही अटक गए सर ये टेक्निकल चीजें होती है ना, इसमें कई बार क्या ना, रात में स्पेशली टेक्निकल चीजें, ये समय हो रखा है आपको पता, अलग टाइप का टाइम हो रखा है, तो थे. हाँ, इस समय भूत जो है ना नींद पिशाच. करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. नींद अपने चरम सीमा पे होती है। गुड इवनिंग हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। अरे चरण स्पर्श की बात नहीं, चरण तो गुरु जी के स्पर्श किया करो, मेरे से तो हाथ मिला लिया करो, बहुत है। रोहिण गुप्ता थैंक यू यार, तेजस्वी, प्रीतम, शानू, राजपूत, मीर आरिफ, आशिफा, सुषमा शर्मा, आना खान, संजीव, श्रीष्मा, आकाश, जितेंद्र, सबका स्वागत है। आकृति, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है UPSC 101। मेरे साथ जुड़े हैं इस देश के महान एंकर सुनील सर, ठीक है, महादेव। तो आज का पहला सवाल इनसे पूछिए यार, ठीक है, जल्दी से पहला सवाल बच्चों का नहीं, सुनील सबसे सर पहले के। मैं सवाल नहीं लूंगा. मैं बच्चों से ये बोलूंगा कि सर ने देखो कितनी चालाकी से मुझे क्या कर दिया, ओल्ड एज में डाल दिया. इस सर के पैर छुओ मुझसे तो अगर ठीक बात है, इनसे मैं 10 साल तो बड़ा ही हूँ कम से कम. फिर भी ठीक सर है बड़े चलिए. बड़ा सम्मान देना पड़ता है ना सर हमें, तो हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल. चले वही शुरू किया जाए यहाँ शुरू से. करो सर। हाँ शुरू करें. बच्चों के मैंने क्वेश्चन कुछ रखे हुए हैं जिसमें मैं सबसे पहले अगर शुरू करूं जी तो सर, मैं जो बातें बोलना चाहता हूं वो ये है कि मेरे जो बच्चे मेरे अपने मतलब एकदम कोर जो मेरे फॉलोअर हैं जैसे, तो उन बच्चों ने जो बोला है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के बारे में कि सर हमारा ज्योग्राफी मतलब कुछ बच्चों ने तो ऐसा भी लिखा कि थैंक्स सर सुमित राठी सर से मिलाने के लिए. तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेट्स है कि जो है इतना बढ़िया आपने बच्चों को टैकल किया है. और ये मुझे मतलब ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहा इस गुरुकुल 3.0 में, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में कभी हाथ रखता नहीं था और बच्चे परेशान थे इधर उधर, बट आपने बहुत साइंटिफिकली और खासकर आपकी जो मैपिंग के द्वारा पढ़ाने का तरीका ना, वो माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग एंड माइंड ब्लोइंग. तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रैंड वाला सैल्यूट. और यहाँ से अब अपनी हम लोग बच्चों के कुछ प्रश्न मैं लेता हूँ अच्छा, जब जिस आपने मैंने. आपने आपने अपने मन की बात कही, तो सर मन की बात तो देखो मुझे भी रखने का पूर्ण अधिकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना सर, इस पे बच्चे इतने परेशान थे, मैं भी आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी 101 जो ये चैनल है, जब हमने स्टार्ट किया था ना, इसपे इकोनॉमिक्स में बच्चे बहुत प्रॉब्लम थी। बच्चों का प्रॉब्लम क्या था कि सर हमें बेसिक से स्टार्ट करना है और एकदम हाई लेवल यूपीएससी तक जाना है, ठीक है। तो जब आपसे मेरी बात हुई, मैं सोच रहा था कि मैं टेंशन में था, मैं कहा सुनील सर तो शायद हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, अब पॉलिटी के लिए हमारे पास है, पॉलिटी के वो पढ़ा रहे, तो मुझे मतलब मैं कहीं ना कहीं चाह रहा था कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएं। जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो आपने बोला कि आप इकोनॉमिक्स ही कराएंगे और आपने कुछ नया सोचा है बच्चों के लिए, तगड़ा सोचा है। और वो जो आपने जो पहला कदम सर ये उठाया इकोनॉमिक्स का, यकीन मानिए मतलब बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया है। और मेरे चैनल पे, मैं बाकी नहीं जानता, बट UPSC 101 पे जितने बच्चे थे ना, उनकी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक सुलझ गई है सर। अदरवाइज हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हमने, पर बच्चों की जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम थी उसका रामबाण जो है वो अभी मिला है। पेनेशिया ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इक्वल टू सुनील सर IQ IP। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है. याद हो गया नहीं सर। तो शुरू करते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चन. सर ये बच्चों की जो सबसे बड़ी मुसीबत है, बच्चों ये देखो मेरे पास पूरी PDF है. मतलब ये मैं आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैंने और सुमित सर ने आज, मान लो हम लेट हो गए, कल कुछ इश्यूज था, ये आपकी सॉरी दिखेगा नहीं, ये पूरी PDF है. अब ये दिखेगा नहीं हमारे, मतलब इतने क्वेश्चन है आपके, ये सारे इकट्ठा होकर रखे हैं और ये डेली हम लोग जो है कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे. सुमित सर जो सबसे बड़ा, चूंकि अब देखो एग्जाम का टाइम है और जी सर बच्चों को मस्ती करने में मजा आता है अगर हम और आप मस्ती करते रहेंगे,
तो इनको तो आनंद ही आनंद है, लेकिन मुझे लगता है इनकी जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आई है वो समस्या ये है, ये टू ऑप्शन में फंस रहे हैं। इसका इनको सलूशन, मतलब हम लोग इनसे बात करते हैं, हमें नहीं कह रहे कि इनको हम क्वेश्चन के द्वारा मतलब कुछ अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन इनके लिए मैं और आप एक मिल करें कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन अराउंड टू ऑप्शन आ रहा है, समझ रहे ना, ये फंस रहे हैं। या जहां पर मतलब थ्री ऑप्शन है फोर ऑप्शन है उसमें भी ये टू ऑप्शन में लास्ट में मतलब 40-45 क्वेश्चन में ये टू ऑप्शन में फंस रहे हैं, और फिर वहां से रिस्क उठा रहे हैं। तो जो बच्चे तो ईश्वर के प्यारे बच्चे होते हैं उनका तो टुक्का लग जाता है, लेकिन कुछ बेचारे जो हमारे टाइप के होते हैं टुक्का मारेंगे तो कभी सही नहीं होगा, वो फंस जा रहा है, तुक्का तो गलत होगा ही होगा। हाँ, तो अब आप बताइए कैसे किया जाए उसके लिए। बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है, क्यों बच्चों एक बार आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों के कमेंट देख भी रहा हूं, ये सबसे बड़ा इश्यू है कि नहीं, कि टू क्वेश्चन मतलब टू ऑप्शन में आप लोग लगभग 40-45 क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये देखो सभी बच्चों का आ रहा है। सर ये जीतन शर्मा है, ये पूछ रहे हैं सर आपसे सवाल है, अगर महिलाओं को घरेलू वेतन देंगे तो बिल्ट इन्फ्लेशन नहीं बढ़ जाएगा क्या? कलाकार आदमी है सर ये, कई कई तो ना ठीक है, कई बार मेरे को इतनी हंसी, मेरे को इतनी हंसी आती है। गजब का क्वेश्चन है कि अगर महिलाओं को पैसा देंगे तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अरे बच्चे, बिल्ट इन इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, महिलाओं को वेतन मिलना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड लास्ट थिंग। कि अब वो टाइम मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस अब हम अमृत कॉल में हैं, और अमृत कॉल में इंडिया को ये स्टेप लेना चाहिए बच्चे, और उससे कोई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देखो सर मैं तो क्या कहता हूँ ना, मतलब मेरा मानना इसमें थोड़ा सा अलग है। मैं क्या कहता हूँ कि मतलब आज वो समय आ गया कि महिलाओं को कुछ देने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को जो चाहिए ना वो लेना पड़ेगा सर, और इसीलिए हम तो लगे पड़े हैं। हम तो कह रहे हैं जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने चैनल पे भी मैं तो सभी लड़कियों को भी बोलता हूँ कि ठीक है अपने हक के लिए अब खुद लड़ना सीखो। वेमेन एम्पावरमेंट की बात तो बहुत होगी सोसाइटी के अंदर, बट सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, माइंडसेट अभी भी वही है। जब आप मांगने की बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मतलब वो इन्हीं चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मांगने से ज्यादा ना तुम कुछ करके दिखाने में भरोसा रखो। तो सभी लड़कियों से मेरी यही अपील है कि मांगना छोड़ दो अब, ठीक है, अब ये सोचना छोड़ दो कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करने वाला है, ठीक है, अपना हक आपको खुद ही लेना पड़ेगा। और जीतन जी आपका जवाब तो सर ने दे ही दिया बिल्ट इन इन्फ्लेशन के बारे में। ये होता है सर, ये होता है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच से जोड़ना, ये तभी सीख पाए हैं जब आप यहाँ पे पधारे हैं सर, नहीं तो ये सीख ही नहीं पाए थे चीजें। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना सर क्वेश्चन की, जो हम बात कर रहे थे आंसर की, जो बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि दो ऑप्शन के अंदर में जाके हम कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, सर मेरे हिसाब से ना इसके कई रीजन हो सकते हैं। मैं अपने लॉजिक से समझता हूँ, मेरा लॉजिक क्या है। देखो, जब आजकल यूपीएससी का पैटर्न भी ऐसा है कि सारी की सारी चीजें वो क्या करता है ना, मतलब ऐसा लगेगा चारों क्वेश्चन पढ़ के यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब बच्चे जैसे तैसे करके इलिमिनेट कर लेते हैं। पर मैं क्या मानता हूं, एक सारे क्वेश्चन के बारे में सही समझ होने के लिए पहले क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है उसको समझना पड़ेगा। यूपीएससी का आजकल पैटर्न क्या है कि करंट प्लस आपका कन्वेंशनल, सर हर क्वेश्चन के अंदर में एक या दो स्टेटमेंट तो उसकी करंट से रिलेटेड है। जैसे हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन पे ही कोई क्वेश्चन ले लिया, तो इन्फ्लेशन के ऊपर में दो स्टेटमेंट जो होगी वो उसके कन्वेंशनल टॉपिक से होगी, एक स्टेटमेंट वो करंट से डाल देगा, ठीक है, या एक स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से डाल देगा। अब उस बच्चे को सॉल्व करने के लिए तीन आयामों को पढ़ना पड़ता है। अब मान के चलते हैं उसने करंट पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कन्वेंशनल उसका स्ट्रांग है, सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और उसने इकोनॉमिक सर्वे आपसे पढ़ा है, तो वो दो क्वेश्चन लगा लेगा, दो आंसर, दो स्टेटमेंट निकाल लेगा, एक में फंसेगा। तो मुझे क्या लगता है, जहां ये बच्चे दो में फंसते हैं ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक बार दोबारा से देखने की आवश्यकता है कि आपकी जो तैयार, और इसके लिए मुझे क्या लगता है ना, मैक्सिमम इन बच्चों को ना आपका जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए भी आपने जैसे आप डिस्कस कर रहे थे उस दिन, आप बोल रहे थे कि कुछ 700 से 800 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, उनकी क्लास करते हैं रात में, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। बाकी देखो मुझे ऐसा लगता है सर, उसके लिए ना कॉन्सेप्ट प्लस आपका करंट अफेयर और प्लस में जो डेटा है, तीनों सब एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज यूपीएससी का पैटर्न लगातार बदल रहा है, ये वो एग्जाम पहले वाला एग्जाम नहीं रहा, यहां पर चीजें बदल रही हैं और अलग तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। ओवर टू यू सुनील सर, आपका क्या राय है सर इस बारे में?
मेरा जो आपने कहा उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। और मेरी जो राय है बच्चों, आप एक दो पॉइंट सर की बात को समराइज करता हुआ मैं बोल रहा हूँ, उसको प्लीज आप नोट कर लेना, जिनको भी टू ऑप्शंस में इश्यू आ रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बोला, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, जब हम मतलब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगर हम उसे समझ नहीं पाएंगे, तो हम ऑप्शन चाहे टू हो थ्री हो, वो हमारे लिए थ्री होगा, तब भी हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके टू ऑप्शन में से अगर आपको वन चूज करना है, ए बी सी डी ऑप्शनल मतलब जो ऑप्शन होते हैं उसमें अगर टू आपने एलिमिनेट कर दिया, टू आपके पास बचे हुए हैं, तो एक फार्मूला होता है सर, जो मैंने मतलब काफी यूट्यूब पर इसको यूज किया और अपने टाइम पर यूज किया, जी उसको जी बोलते हैं अप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया, उन दोनों में कोई एक ऐसा होगा ना जो क्वेश्चन जो होता है, जो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन की, उससे वो ऑप्शन थोड़ा ज्यादा मैच करेगा। तो आपको सर्च करना है इन दोनों में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, और आप इसका आइडिया कैसे लगाएंगे। तो मैंने सर अपने टाइम में किया था, हम भी फंसते थे, तो हम क्या करते थे, परसेंटेज देते थे, चलो यार ये जो टू में से पहला वाला इसको कितना परसेंट दिया जाए क्वेश्चन से कनेक्टिविटी को लेकर के, तो 60% दिया या 50% दिया, सेकंड वाले को क्या दिया, तो परसेंटेज जिसको हम ज्यादा दे लेते थे उसी को हम मार देते थे, और अन्यथा अगर बहुत फंसते थे तो आंखें बंद कर लेते थे, ओम भूर्भुवस्वः पितर्वर्ण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, जहां पर उंगली गई वहीं मार देते थे। ये भी एक फंडा था, लेकिन जो है टॉस भी करेक्ट किया जा सकता है उसमें। मतलब हाँ, ठीक है। तो वो तो फिर महा मतलब मैं आपको एक इससे ना मेरे को एक किस्सा याद आ गया सर, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये कॉलेज की जस्ट बाद की बात है, तो मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो किसी ने मुझे बोला कि पंकज सर ने ही मुझे बोला कि एक काम करो पहले एसबीआई पीओ का एग्जाम दे लो। अब उसमें रीजनिंग थी सर, रीजनिंग मेरे समझ में ना आए, चार कुत्ते बिल्ली थे और चार बिल्ली कुत्ते हैं, तो बताओ क्या सारे कुत्ते बिल्ली है। मैं चक्कर में, मेरा छोटा भाई था सर, उसको भी पता नहीं था, लेकिन वो तुक्के मारे सर हर क्वेश्चन में, ऐसे पढ़े और तुक्के मारे, इसका तो बी है। आप यकीन मानिए 70% उसके तुक्के सही थे, 70%, मैं सच बात बोल रहा हूं। अच्छा मैं करने बैठ जाऊं, मैं तुक्के लगाने में भी दिमाग लगाऊंगा कि यार ये हो सकता है, मतलब जहां तुक्के में दिमाग लगेगा ना वहां आदमी फंस जाएगा। अच्छा सर एक आपका और मेरा कॉमन दुख है जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, ये आपका भी दुख है और मेरा भी दुख है। हम पूरे साल करंट अफेयर पढ़ाते हैं और ये आखिरी में पेपर के टाइम पे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर का क्या ये तो समझ लो कि ये क्वेश्चन पूछ के ये समझ लो जैसे मेरा मर्डर कर देते हैं। सोचो यार, मैं अपनी जर्नी, और आप भी लंबा सेशन खींचते हो, यानी मेरा तो सर अगर अपनी बात करूं मैं अभी 2 मिनट के लिए, तो करंट अफेयर्स यार इंडिया के टॉप जितने अखबार, आप भी वही कर रहे हैं, और उसके बाद मैं तो दो दो घंटे तक खींच रहा हूँ। उसके बाद ही बच्चा कहता है कितना प्यार से भोलू, कितना हमारा ऐसे बोलता है, सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, भगवान कसम ऐसे लगता है कि मैं पढ़ाना बंद कर दूं, अनएकेडमी से बोलूं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आप रद्द करिए, हम गांव जा रहे हैं, भगवा पहनेंगे, मंदिर में बैठ करके भजन करेंगे, ना हो पाएगा हमसे। हाँ, यही आपका क्या मतलब, है? नहीं, मेरे को भी ऐसा ही दुख होता था मैं सच बताऊं, लेकिन आपने जब ये बातें बोली ना तो मेरे मेरे जो भावना थी ना उसको एक शब्द मिल गए हैं। मतलब आपने सही कहा है, मतलब मुझे भी, मेरे पास जब भी बच्चे से पूछते थे ना कि सर अब करंट अफेयर का क्या करें, तो लिटरली आप मानिएगा मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं कह यार अब क्या करें यार, ठीक है सही बात है, तो बच्चों करंट अफेयर क्या करूं, मैं बोलता था यार करो पढ़ो, लेकिन मुझे, मैं कह यार एक बात बताओ, पूरे साल तो करंट अफेयर पढ़ लिया तुम। सर मेरा भी ऐसा ही है, आज का मेरा लेक्चर देखना 1 घंटे 52 मिनट का लेक्चर है मेरा, ठीक है 9 टॉपिक मैंने कवर किए हैं जिसमें 4 डिटेल में और 4-5 छोटे टॉपिक है। 4 मैंने मेन्स आंसर, 5 मैंने आंसर राइटिंग, मेन्स आंसर राइटिंग के क्वेश्चन रखे हैं उसमें, प्री के क्वेश्चन अलग से डालता हूं एमसीक्यू टाइप के प्रीवियस ईयर के, मैंने देखे हैं, मैंने देखे। और हाँ, और क्या करे आदमी। तो एक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था, ठीक है, सोभावती सिंह पूछ रहे थे कि सर ईयर का करंट अफेयर आप लेके आएंगे क्या, तो अगर हिम्मत बची, सुनील सर में प्राण बचे और मेरे अंदर प्राण बचे, तो भाई जरूर लेके आएंगे, ठीक है आप जो बोलोगे यार लेके आएंगे। क्योंकि देखो सर हम आपको महादेव बोल रहे हैं, आप हमें छोटा महादेव बोल रहे हैं, लेकिन असली महादेव तो ये लोग हैं, इन्हीं के लिए सब कुछ करना पड़ता है। नहीं ये हैं प्रचंड प्रचंड महादेव। ये अच्छा प्रचंड महादेव है। हाँ,
एक आपसे एक 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 आपको मैं वो देना चाहता हूँ, और क्योंकि हमारा आपका प्लान भी है ये, एक है ये आसाम से है मुझे लग रहा, शिवम पॉल, ठीक है सर, शिवम पॉल बोल रहे हैं कि सर आप आसाम में, अब आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी है, हम दोनों के लिए हो सकता है, इसमें उन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया, सर आप आसाम में कभी आओ आसाम पीएससी पढ़ाने को, ये आप ये मतलब इन बच्चों को आप बताइए कि हमारा प्रोग्राम है भी, हम ऐसा करेंगे, और हम ऑब्वियस मैं तो अपनी तरफ से एकदम ऐसे बोथ हैंड अप करके कह रहा हूं कि मैं एक्चुअल में आसाम आना चाहता हूं, कोई मुझे अगर ऑफर करे आने के लिए मैं जा सकता हूं, क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं और उनको पीएससी में जो भी गाइडेंस है वो मैं देना चाहता हूं। अब ये अब कैसे जा पाऊंगा कैसे नहीं जा पाऊंगा, अब वो क्या है क्या नहीं है, बट मैं आना चाहता हूं सर। आप देखो सर सस्पेंस क्या ही रखें, सस्पेंस खोल देते हैं, आपका जो वो प्रोग्राम नहीं आ रहा है सर, जो यूपी पीसीएस के लिए आप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सर, तो ऑलमोस्ट क्या स्टेट पीसीएस का सबका लगभग लगभग क्या होता है, थोड़ा सेम होता है, ठीक है। तो जो बच्चे आसाम के हैं, जो बेसिकली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा अलग नहीं होता, तो जो स्टेट पीसीएस का है उसके अंदर में भी हम काम करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। सुनील सर ऑलरेडी इसके अंदर एक इनिशिएटिव ले चुके हैं यूपी पीसीएस का, वो कल से स्टार्ट कर रहे हैं, और उन्हीं के चैनल पे उसी चैनल के ऊपर मैं भी आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है वो कराऊंगा। दूसरी बात जो होती है स्टेट पीसीएस की, बिल्कुल मतलब बहुत सही सवाल, बहुत सही चीज है, ठीक है। बच्चे जो है वो स्टेट पीसीएस के बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि पैटर्न काफी जो है उससे मिलता जुलता है। तो जैसे सुनील सर ने हिंट दे ही दिया कि बिल्कुल बिल्कुल होगा और अच्छे से होगा। एक बर्फी स्टूडेंट है सर, उनका सवाल आ रहा है सर इकोनॉमिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्लस पर कब आएगा। आप ही बोल दीजिए। 13 तारीख से, 13th of April से गुरुकुल 3.0 पूरा का पूरा आपका कहां आ रहा है प्लस पे। जो बच्चे 2022 में और 2023 में अपना यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट करने वाले हैं, मैं आपको लिख देता हूं ये प्रोग्राम जो है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स जो सर पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आप 22 और 23 के एग्जाम के अंदर में कम से कम 15 क्वेश्चन डायरेक्टली उससे पाएंगे। और सर की तो आपको पता है खासियत यही है कि प्री नहीं, वो मेंस के लेवल का कराते हैं, ठीक है। शुरुआत प्री से होती है, लेकिन जब चैप्टर खत्म होता है तो आपको पता नहीं होता कब मेंस वो करा चुके होते हैं, तो ये सर की खासियत है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 13 तारीख से, इसी 13 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लस कोर्स अपना, ठीक है। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो कोर्स होने वाला है दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोग्राम, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, चाहे आपकी आपका जो है एनवायरनमेंट हो, आपका पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, विल गिव यू द बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट बेस्ट हम चीजें आपको प्रोवाइड यहां पर करेंगे सर। सुष्मिता है ये बेंगलुरु से कर्नाटका, और ये अच्छा इन्होंने बोला है गुरुकुल 3.0 से इनको बहुत हेल्प मिली है और सभी क्लासेस इनको बहुत अच्छी लग रही हैं, और थैंक यू सर एंड सुमित सर यानी कि जो है ज्योग्राफी के लिए और थोड़ा सा हमें भी इकोनॉमिक्स के लिए। नहीं नहीं सर, इकोनॉमिक्स की क्या है ना सर, इकोनॉमिक्स की मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने बच्चों की सॉल्व की है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब एक ना हमारा टीम का प्लस पॉइंट क्या हो गया ना सर, हमारी टीम के अंदर में अब मेंस के इतने सब्जेक्ट आ गए कि इस बार हम फोड़ देंगे, ठीक है। देखो आप जो है हिंदी साहित्य आप कराएंगे, देखो बच्चों मैं कुछ बच्चे हैं जैसे अभिषेक जायसवाल है वो हमसे पूछ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं सोशियोलॉजी नहीं, मैं आपको इस बार का गुरुकुल के जो हमारी टीम है जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है मैं आपको ये बता देता हूँ कितने लोग हैं और हम क्या क्या कराने वाले हैं। सुनील सर हिंदी साहित्य के अंदर में ऑल इंडिया बेस्ट फैकल्टी है, ठीक है। ज्योग्राफी में मैं काम चला दूंगा, आप लोगों का टेंशन मत लो। सोशियोलॉजी जो है हमारे साथ पंकज सर हैं जो सोशियोलॉजी और पबैड जो है वो आपका देखेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितनी बढ़िया टीम जो है तैयार हो गई है, 4 से सर 5 ऑप्शनल हम इनको दे रहे हैं, प्री के अंदर सारी चीजें कवर कर रहे हैं। अच्छा सर वो सरप्राइज बता दें क्या, अभी वो जो अपन एनसीईआरटी वाला कुछ कर रहे हैं वो बताना चाहिए अभी सस्पेंस बता रहे। पहले मैं एक चीज बोलूंगा आपके बारे में, आपके ज्योग्राफी के बारे में, क्योंकि जब मैं इस चैनल पे ऑब्वियस है मैं आपसे इस पे यूपी अनअकैडमी वाले से आपसे मैं सीनियर हूँ, वैसे भी उम्र में भी सीनियर हूँ सर, आप तो महादेव हैं सर आप। तो ये मैं बता दूं कि मैं ट्रस्ट करो, ये नहीं कि मैं बच्चों इनको प्यार करता हूँ मेरे छोटे भाई जैसे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अगर बच्चे मुझे समझते हैं कि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन सीधा बोल देता हूँ, जिसको पसंद है पसंद, नहीं पसंद नहीं पसंद है, बट आपको मतलब मैंने इतना बढ़िया ज्योग्राफी को
क्योंकि मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट यहाँ से ऑप्शनल फिनिश हो चुका है, बट जब से मैंने आपको देखा तब मुझे लगा कि बंदे में कुछ अलग बात है। एक तो यंग एज, तो मुझे लगा कि ये बंदा आने वाले टाइम में ऑप्शनल में तहलका करेगा। तो ये मेरा आपके बारे में, जब मैं स्टार्टिंग में जब मतलब इस चैनल पे था और फिर आप लोगों को जैसे अब हम लोग आपस में वो लेक्चर देखना स्टार्ट किया, एक दूसरे का कुछ ना कुछ आदमी देखता ही है, तब मुझे आपका वो स्पार्क नजर आया और फिर उसके बाद आपका हिंदू में एडिटोरियल आया, देन फिर वहां से हमारा आपका एक अच्छा पैचअप हुआ और फिर चीजें आगे बढ़ी। तो मतलब मैं ये चाहता भी हूं कि मतलब ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि आप इंडिया के ज्योग्राफी के सबसे बेस्ट टीचर बने, नॉट ओनली जीएस ऑप्शनल में, क्योंकि इसमें इतनी स्कोप और ये सब्जेक्ट बहुत साइंटिफिक है। लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि सुनील सर खड़े हो जाते थे, कहते थे बेटा ज्योग्राफी मत लेना, हिंदी मीडियम के अपने बच्चों को मना कर देता था ज्योग्राफी लेना ही नहीं। और मेरे बच्चे यहीं बैठे वो कमेंट करके बताएं अगर मैं गलत कर रहा हूं, यही कहता था इंग्लिश मीडियम में जरूर ले लेना बट हिंदी मीडियम में मत लेना, चूंकि लोग हार्डवर्क नहीं कर रहे ऐसे एनसीईआरटी की लाइनें लिख करके खड़े हो गए और जोर जोर से बोल रहे हैं, बच्चों को लग रहा है गुरु क्या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, असली ज्योग्राफी आपकी है, समझ रहे ना। अच्छा सर, कई कई वीडियो मैं कई बार ना परेशान हो जाता हूँ सुनील सर ये देख के, मतलब मेरे को ना आज मैं गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था, मतलब यकीन मानिए मेरे को एक गंगा रिवर सिस्टम गंगा ड्रेनेज पढ़ाने में ना एक घंटा लग जाता है। मैंने कई कई ऐसी क्लास देखी, एक क्लास में संपूर्ण भूगोल हो जाता है सर, पूरा खत्म। जय प्रभु, ये आत्माएं हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए, हमें किसी प्रकार से दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए, ये वो आत्माएं हैं जो हमारे लिए क्या श्रद्धेय है कि कहाँ से आ गए हैं हम लोगों को एक एक रिवर, जैसे आपने बोला ना आपको एक रिवर पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है, हमें बैंकिंग पढ़ाने में आज मेरे 5 लेक्चर हो गए हैं अभी खत्म, वो कम से कम 3 लेक्चर और जाएगा और यहाँ एक ही ये मैं भी नहीं समझ पाता, मतलब ये कैसे कैसे हो जाता है सर। ठीक है, तो ये अच्छा एक सवाल आ रहा है सर, कूल बन जाऊंगा राजपूत कह रहे हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मेरे लिए टाइम कम पड़ रहा है, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए टाइम कम पड़ रहा है। देखो इस धरती पर मैं एक बार सुनील सर मैं बोलना चाहूंगा, कुछ प्रॉब्लम है बच्चों, ये सबकी कॉमन है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस धरती पे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा होगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, जिसने एग्जाम निकाल दिया हो, चाहे वो टीचर हो मेरे और सुनील सर की तरह, जिसकी 2-3 प्रॉब्लम ना रही हो। पहली प्रॉब्लम क्या है, समय हमेशा कम पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, तुम कभी जिंदगी में सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, ये मैं बता देता हूँ, ये श्राप होता है, श्राप हमें, ठीक है, सीता माता का श्राप है, तुम्हारा कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा, ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट की बात है, गलत तो नहीं कह रहा हूं सर, तुम्हारा कभी भी तुम्हें लगेगा कि टाइम पूरा है ही नहीं, तुम्हें ऐसा ही लगेगा टाइम पूरा है ही नहीं तुम्हारे पास। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी, तुम भूलोगे चीजों को, पढ़ोगे कल पढ़ोगे आज भूलोगे। देखो भूलना ना एक नॉर्मल ह्यूमन क्रिएचर का एक पहचान है, भूलता कौन नहीं है, जो आदमी पागल हो जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है। सर याद रखते हैं ना, मेरे मामा जी को प्रॉब्लम थी, उनको आज से 20 साल पुरानी याद थी कि हाईकोर्ट के जज ने उनको क्या तारीख दी थी और क्या बोला था, एक एक बात याद है उसको, 20 साल की बात हमें याद नहीं है। तो जब आप भूल नहीं रहे हो, जब आप भूल नहीं रहे हो, इसका मतलब आप मेंटली प्रॉब्लम में हो दोस्त। अब बच्चा कहता है सर फिर हम याद कैसे करें, एग्जाम कैसे देंगे, एक बात बताओ, रोटी खाने की कोई प्रोसेस याद करते हो क्या, अपने घर का रास्ता देखते हो क्या, या अपने कमरे का रास्ता आप याद करते हो क्या, वो चीज तो आदत होती है ना सर, मैं अंधेरे में बैठा हूं, छोटा बच्चा होता है उसको खाना सिखाना पड़ता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो अंधेरे में आप खाना खा रहे हो, लाइट चली जाए तो खाना खा सकते हो कि नहीं खा सकते सर, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है, तोड़ोगे मुंह में जाएगा, तो ऐसी प्रैक्टिस इसकी करनी है। नंबर ऑफ टाइम, अपने घर का रास्ता कभी कोई याद नहीं रखता क्योंकि उसको पता है, वो बार बार जाके याद हो रखा है। ऐसे ही ये 3 प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के जीवन में आएगी और इनका कोई समाधान नहीं है सिवाय एक, और वो क्या है सर, बार 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 मेहनत। सुनील सर गलत तो नहीं कह रहा हूं, नहीं एकदम एकदम पर। अच्छा इसमें मैं इनके लिए एक चीज और जोड़ूंगा, अगर ये वर्किंग प्रोफेशनल है तो हमारा जो 13 अप्रैल से हम लोग जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि वर्किंग सबके लिए है बट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बेस्ट, क्योंकि वहां हमसे बातचीत भी कर पाएंगे, अगर उनको रिविजन करने में दिक्कत है वो भी कर पाएंगे, 1-to-1 हम चैट कर सकते हैं। और एक चीज और बता दीजिएगा, अनएकेडमी ने एक नया मतलब जो है इनिशिएट किया है कि हमारे किसी भी लेक्चर का लास्ट 15 मिनट अब क्या होगा, डाउट होगा, डाउट होगा, डाउट डाउट
केवल डाउट, बच्चे तो इस समय प्लस की क्लास में, यानी डेली हम मना ही नहीं कर सकते, यानी हमारी क्लास का लास्ट का 15 मिनट अपने आप वो डाउट सेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पर बहुत अच्छा है, आप लोग अगर गुरुकुल 3.0 में आते हैं तो ये जो आप लोगों की रिवीजन की समस्या है, रिवीजन का इशू है, वो भी हम लोग 45 डेज में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। जैसे अभी आपके कमेंट हमें दिख रहे हैं, वैसे ही वहां पर जब आप प्लस में पढ़ेंगे आपके कमेंट हमारी, अभी तो हम मोबाइल में देख रहे हैं, वो हमारी स्क्रीन पे आते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन है, चल पड़ी है गाड़ी। तो ये मुझे लगता है आपके लिए जो भी वर्किंग्स हैं वो लोग 13 अप्रैल से ज्वाइन करें और बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सर एक चीज और है, ठीक है, जब से मैंने गुरुकुल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मतलब इस प्रोग्राम को बच्चों ने बड़ा साथ दिया है, मतलब बच्चा वेट करता है। अच्छा सर एक मिनट, क्योंकि समय इसका होने वाला है, ठीक है, 1 मिनट 40 सेकंड बचे हैं, तो वो चीज कर देते हैं जो हमें करने के लिए बोला जाता है। बच्चों कोर्स हमारा 13 से स्टार्ट हो रहा है, दोस्त हु वांट टू ज्वाइन दी एन अकेडमी दे कैन कम एंड ज्वाइन दी एन अकेडमी। अनअकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां से लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डलवा देंगे, तो वहां पर आप जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रेस्पेक्टिव एजुकेटर जिसका आप कोड लगाना चाहते हो, ठीक है। 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, प्लस का, ऑप्शनल का, और आपका कॉम्बो, जिसमें दोनों होते हैं, कॉम्बो में जीएस प्लस ऑप्शन दोनों होता है, ठीक है। अभी दोनों कर सकते हो, आइकॉनिक और आपका प्लस, प्लस में नॉर्मल होता है और आइकॉनिक में आपको जो है पर्सनल गाइडेंस भी यहां पर मिलता है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर आप दोनों ऑफलाइन क्लास में आओ दिल्ली में, ठीक है, देखेंगे समय आएगा वो भी जरूर होगा। सुनील सर आप कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहा था भूल ही गया मैं तो, जो भी आप कहना ये कहना चाह रहे थे, आप ये कहना चाह रहे थे कल फिर मिलेंगे। ओके ठीक है, फिर बच्चे इंजॉय करें और कल से मेहनत करते हैं। आप लोगों के कमेंट हमारे पास पीडीएफ के रूप में है और कल से जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम बताते चलेंगे, सुमित सर भी बताते चलेंगे, और मेहनत हम लोग कर रहे हैं बच्चे, और आप लोग बस लगे रहिए। tahlka.com है, प्री के बाद मेंस भी बहुत अच्छे से कराया जाएगा। हाँ महादेव जी, एक्चुअली क्या है ना, वो ये 40 मिनट का होता है, हम गरीब आदमी है तो वो 40 मिनट का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं जूम वाला, ठीक है। अच्छा तो वो खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम। अच्छा।